रणथंबोर के नेशनल पार्क की रानी कहलाने वाली टाइग्रेस मछली। यह टाइग्रेस न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। एक 14 फीट के मगरमच्छ को मारने के अलावा ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते मछली नाम की टाइग्रेस को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। ट्रेवल टूर ऑपरेटरों के अनुसार हर साल मछली टाइग्रेस की वजह से लगभग 65 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मछली एक ऐसी टाइगर थी जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। जैसे कि बंगाल टाइगर की जिंदगी सिर्फ 15 साल की ही होती है, लेकिन यह मछली नाम की टाइग्रेस लगभग 20 साल तक जिंदगी जी थी। इस बाघिन ने पूरी जिंदगी में 11 बाघों को जन्म दिया, जिनमें से 7 टाइग्रेस और 4 मेल टाइगर थे। रणथंबोर नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ाने में मछली टाइग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मछली टाइग्रेस अपने बच्चों को बचाने के लिए खतरनाक टाइगर्स और बाकी खतरनाक जानवरों से भी भिड़ जाती थी, और बाकी जानवरों में से एक जानवर 14 फुट का मगरमच्छ था जिसे टाइग्रेस ने मार दिया। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए मछली टाइग्रेस को एक 14 फुट के बड़े मगरमच्छ को जान से मारना पड़ा। उससे पहले हम आपके लिए हमेशा बेहतरीन जानकारी लेकर आते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कुछ समय पहले रणथंबोर से एक वीडियो सामने आया जिसमें वह मछली नाम की टाइग्रेस ने एक 14 फीट के क्रोकोडाइल को जान से मार डाला। दरअसल दोस्तों क्रोकोडाइल को मारने के पीछे एक बड़ा कारण था, क्योंकि केवल शिकार के लिए कोई भी जानवर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि टाइगर अकेले रहना पसंद करते हैं, और अगर ऐसे में उनके शरीर के किसी भी अंग में गहरी चोट लग जाती है तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। फिर भी इन सभी की परवाह न करते हुए उस मछली टाइग्रेस ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि उसने उस मगरमच्छ को जान से भी मार डाला। दुनिया में अगर माँ और बच्चे के बीच में सबसे मजबूत रिश्ता कोई है तो वो अपने बच्चों के प्रति एक बाघिन का। दरअसल हुआ कुछ ये था कि 27 जून 2003 को दोपहर के समय मछली टाइग्रेस के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, तभी एक 14 फीट के मगरमच्छ ने तालाब से बाहर निकलकर टाइग्रेस की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। इससे पहले कि क्रोकोडाइल उन बच्चों को नुकसान पहुंचाता, उन बच्चों की माँ उनके हिफाजत करने पहुंच गई, और जंगल में अगर कोई भी जानवर एक बाघिन के सामने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सोचता भी है तो वह बाघिन उसकी आंखों में देखकर उसका इरादा जान लेती है। और उस क्रोकोडाइल ने उन बच्चों को न केवल नुकसान पहुँचाने की सोची बल्कि उनको अपना शिकार बनाने की भी कोशिश की। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि पानी से बाहर भी एक मगरमच्छ से लड़ना आसान नहीं होता। एक बंगाल टाइगर की बाइट फोर्स 1050 PSI तक होती है, वहीं मगरमच्छ की बाइट फोर्स 3700 PSI तक होती है। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि शेर जैसे जानवर भी पानी में इनसे बचकर ही रहते हैं। पर चाहे क्रोकोडाइल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब बात बच्चों पर आ जाती है तो बाघिन अपने बच्चों के लिए सीधे मारो या मरो वाली लड़ाई पर आ जाती है, और इसीलिए उस टाइग्रेस ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उस 14 फीट के मगरमच्छ से भिड़ गई। 2 से 2.5 घंटे चली इस खूनी लड़ाई में आखिरकार उस मछली टाइग्रेस ने उस मगरमच्छ को जान से मार डाला, और उस मगरमच्छ को मारने के बाद ही ये टाइग्रेस पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हालांकि इस लड़ाई में मछली टाइग्रेस की जीत हो गई, लेकिन इस जीत की उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वह कीमत थी उसके 3 शिकारी दांत। और उसी दिन के बाद जो भी रणथंबोर नेशनल पार्क में घूमने जाता है उनको उस मछली टाइग्रेस को देखने की बहुत इच्छा होती, और वह उसे जरूर देखना चाहते थे। और जब भी एक टाइगर मारो या मरो वाली लड़ाई पर उतर आता है तो जीत टाइगर की ही होती है।